और गणतंत्र दिवस की महाकवरेज को ऐतिहासिक बनाने के लिए दूरदर्शन में जबरदस्त तैयारी की है। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त दूरदर्शन के कंट्रोल रूम में हूं और जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर चप्पे चप्पे की जानकारी है। 60 कैमरे लगाए हैं दूरदर्शन ने राष्ट्रपति भवन से लेकर कर्तव्य पथ तक, ताकि आपको सटीक जानकारी मिले और सीधे आपके ड्राइंग रूम तक जानकारी मिले। आप देख सकते हैं ये किस तरह से यहाँ पर इन्होंने तैयारी की है। मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा कि वो आए। सतीजा जी, किस तरह के तैयारियाँ हैं इस बार? इस बार ही नया आपको दिखाई देगा का मतलब दट जो कंटीजेंट्स हैं, नॉर्मली एक फ्रेंच कंटीजेंट भी इसमें पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, और इस बार नॉर्मली जो कमांडर से शुरू होता था, इस बार इन प्लेस पर कमांडर एक कल्चर प्रोग्राम से दट परेड इज़ गोइंग टू स्टार्ट, वो उससे शुरू हो रही है। ये चीज़ एक नया है। और हम लोग एक दट इस बार पीएम का जो इनिशिएटिव है कि वुमेंस एम्पावरमेंट के ऊपर, तो हम लोग प्री प्रोडक्शन अपना प्री परेड हम जो कैप्सूल्स वगैरह जो बनाते हैं, तो उसमें हम लोगों ने एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक कैप्सूल बनाया है नारी तो नारायणी करके। वुमेन एम्पावरमेंट इस बार का बड़ा इशू है और हमारा फोकस भी रहेगा, और हम देख रहे हैं किस तरह से तमाम टेक्नीशियंस यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। हम चलेंगे ग्राफिक्स टीम के पास और हम देखेंगे कि उनकी क्या तैयारी है, किस तरह की तैयारी है आप लोगों की रिपब्लिक डे को लेकर। ग्राफिक्स इस बार पहले की तरह और उससे ही बेहतर बनाया गया है, और पूरी कोशिश है कि अच्छे से अच्छे ग्राफिक्स दिए जाएँ, तो हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है ग्राफिक्स देने के लिए। आपने देखा सभी तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई है, और अब हम चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि ओबी में किस तरह से तैयारी है, क्योंकि ओबी के जरिए आपको सीधा प्रसारण मिलेगा। मैं इस वक्त दूरदर्शन की ओबी वैन में हूं, और ये है ओबी वैन नंबर 2 जो कर्तव्य पथ को मॉनिटर कर रही है, और मेरे साथ है ओबी वैन के इंचार्ज मिस्टर प्रशांत। प्रशांत जी, ये बताइए कि किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप यहाँ से? पूरा हमारी टीम लगी है अराउंड 15 डेज से, पूरा सेटअप है राष्ट्रपति भवन, कर्तव्य पथ और नेशनल वॉर मेमोरियल। तो हमने 3 ओबी वैन्स एंगेज करी हैं। दिस इज़ द मेन ओबी वैन OB1, इसमें 12 कैमरेज हैं जो पूरा कर्तव्य पथ को कवर करेगी। एक हमारी ओबी वैन लगी है राष्ट्रपति भवन में, उसमें 12 कैमरेज हैं जो राष्ट्रपति भवन का पार्ट कवर करेगी, और एक नेशनल वॉर मेमोरियल में है। तो ये इन तीनों वैन्स को हमने आपस में इंटीग्रेट करके कंट्रोल रूम में हमने इंटीग्रेट किया हुआ है। ऑल ओवर द प्लेस फ्रॉम राष्ट्रपति भवन से और नेशनल वॉर मेमोरियल तक अराउंड 60 कैमरास लगाए हैं हमारे। तो जैसे कि आपने सुना, ये सब लोग दिन रात इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप तक बेहतरीन तस्वीरें पहुंचे और भारत का नाम पूरी दुनिया में छा जाए। कैमरामैन अजीत और केशव के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD News दिल्ली।